एकदम सही समय हुआ है माय गुडनेस यस आकांक्षा शर्मा रहे हैं क्या आकांक्षा यस मैम प्लीज 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 कम कमेंट प्लीज कम वो हो यस 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 आकांक्षा कैन कम ऑन द स्टेज माय गुडनेस मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन तू फन तो यारो सबसे आकांक्षा एकदम कंफर्टेबल रहो ठीक है ना सब अपने बच्चे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को आज शुरुआत में मैंने कहा था कि आप बच्चों मनोज आप क्या कर रहे हो हाँ तो सब लोग मुझे छोड़ के आपको देख रहे हैं चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना कुछ यस 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 एकदम मजे में रहो और आकांक्षा आप कंफर्ट आप इधर आ जाओ एक काम करो यस 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 गुंडा हाँ जैसे पहले आकांक्षा का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, दे देता हूँ ठीक है मुझे जितना याद है मैं देता हूँ बाकी आकांक्षा करेक्ट करती रहेगी ठीक है आकांक्षा मुंबई से है दुख दर्द पीड़ा यस यार कहाँ से आप पढ़ा बभी मुंबई हाँ हाँ तो मुंबई से है मतलब वो मुंबई से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक है तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे इनको खूब 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 परेशान करेंगे बट सबसे पहले आकांक्षा मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी इंजॉइंग इट बिकॉज आपका प्रोफेशनल क्लियर हुआ कितना समय हो चुका है डिसंबर ट्वेंटी वन में उनका प्रोफेशनल्स क्लियर हुआ था एंड नाउ शी इज गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग वगैरह ऑल्सो बट मुझे पता है ज्यादा ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाते हुए हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हो आप फिर भी Law firm. Law firm पचास so, तो तो सवाल आ जाएंगे के क्या? में ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या तो इट इस वेरी सिंपल जहाँ पे आपको एक सी एस मिल जाता है, है इंस्टीट्यूट के पास में टू टेक अ ट्रेनिंग वहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं वो सीएस है आपको जहां मिल गया वहां पे आप ले सकते हैं ठीक है ना इट्स एज इजी एस दैट तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा एक्सपोजर चाहिए उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हैं लेकिन 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 आकांक्षा आज आपको परेशान करेंगे हम लोग दूसरे सिलसिले से इन बच्चों को मैंने कहा था कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं इनके डाउट्स तो मैं दूंगा इनको पूछने का मौका सबसे पहले एक आकांक्षा क्या पूछना चाहता हूँ मैं क्या हो जाता है यार मैं इधर आ जाता हूँ आप एकदम से आपको माइक दे दूंगा मैं नहीं 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 अरे नहीं, नहीं आप वहां पर रहो मैं मै, मै, मुझे रोज़ ही आना पड़ता है ठीक है यस yes, गुंडे क्या यार कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को बच्चों को ऐसा लगता है एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है सिलेबस बहुत बड़ा है है ही है दूसरा ट्रबल क्या सिलेबस बड़े होने के बावजूद इंस्टीट्यूट डज नॉट स्टिक विद द सिलेबस एट टाइम्स हर पेपर में वो पाँच दस पंद्रह मार्क्स का वेरिएशन कर देता है बिल्कुल दे गिव सरप्राइज क्वेश्चन और तीसरा इसके बाद में भी हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इंस्टीट्यूट आंसर से अपेक्षा क्या रख रहा है बिकॉज हम जब आंसर लिखते हैं अब हमें लग रहा है सब कुछ ठीक लिखा है फिर भी मार्क्स नहीं मिले तो ये तीन सबसे बड़ी परेशानी है कि पहला सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है दूसरा हो जाता है कि एग्जाम में आउट ऑफ करिकुलम भी कुछ सवाल आ जाते हैं और तीसरा कि कभी कभी चेकिंग से हम सेटिस्फाइड नहीं है इफ़ आई पुट इट इन द मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैनर द इट कुड भी कि हम चेकिंग से कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं है एंड डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर अर एंकर एट एग्जीक्यूटिव ऑल्सो व्हाट वाज योर रैंक एग्जीक्यूटिव 1 क्या मजाक समझ रखा है यार वन प्रोफेशनल्स में आपकी रैंक क्या थी फोर हां एंड सीएसईटी था या फाउंडेशन था फाउंडेशन पर रैंक 25 माय गुडनेस सो एआईआर 25 एट फाउंडेशन एआईआर वन एट एग्जीक्यूटिव एंड एआईआर फोर एट फाइनल लेवल तो एक ही सवाल है मेरा बाकी इनके सवाल होंगे क्या करना है ऐसा <laughs> क्या लिखना है मतलब द क्वेश्चन इज सिंपल कि देखो किसी का अगर एक आधा बार रैंक आया ना तो समझ में आता है कि हां उसने आंसर भी अच्छा लिखा होगा और उसको अच्छा चेकर भी मिल गया हाँ हाँ बिल्कुल सही है है ना सो so, आंसर भी अच्छे से देखो चेकर अच्छा मिल गया बट जिसकी थ्री लेवल रैंक है मतलब कुछ तो इन्होंने क्रैक कर लिया है या तो दो दो हजार के नोट कुछ तो कर रहे हैं ये ऐसा कि द पर्सन इज गेटिंग रैंक एवरी टाइम तो कुछ तो आंसर राइटिंग में होगा कुछ प्रिपरेशन होगा समथिंग दैट दैट शी शी हैज क्रैक्ड एंड इज इज एबल टू रैंक

एंड आई वोंट से द नेम बट मेरे आगे सी एस फाउंडेशन की रैंक वन बैठती थी मतलब आई डिड माई फाउंडेशन सेल्फ घर पे ही सेल्फ किया ऐसे आई गॉट ट्वेंटी फाइव फिफ्थ रैंक देन आई वेंट टू इंदौर फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव पूरी क्लास में मतलब पीपल यूज टू मॉक समाइम्स बिकॉज क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे एंड <laughs> मेरा प्रैक्टिकल तो अच्छा था बट थ्योरी में मुझे याद नहीं होता था मुझे समझ आता था पूरा एंड बच्चे मजाक उड़ाते थे आई वॉज लिटरली मैं टीचर्स के सामने जाके रो देती थी, थी कि भाई क्या चल रहा फिर उसने मेरे को काफ़ी समझाया कि भाड़ में जाने दें इनको <laughs> <laughs> मतलब वो लिटरली ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे एंड वन डे फिर उन्होंने बोला अगर लोगों की बातों से तेरे को इतना अफेक्ट पड़ रहा है तो या तो छोड़ दे सी और आई वाज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग सीएस मैं उनके सामने ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने बैठ गई क्वेश्चन का क्रीम पता है कुछ रिपीट कर देना तो हो जाएगा कि जब आप जैसी की बच्चों को यहां पे महाराष्ट्र में स्पेशली ये पढ़ा होती है दैट दे हैव स्टडी फ्रॉम मराठी करेक्ट सो आफ्टर ट्वेल्थ आई डिसाइड आई टारगेटेड फॉर डी यू बट डी यू का ऐसा था नॉर्थ कैंपस मिला नहीं घर वालों ने साउथ कैंपस के लिए मना कर दिया कि साउथ कैंपस के कॉलेज नहीं जाएंगे अब फिर हुआ कि अब मैं डी यू छोड़ो आई पी एम आई गेव आई पी एम ए टी एंड क्लैट का पेपर अब वो भी पेपर इंग्लिश में थे उठाए घर पर मेरे बुक स्टोर है सो मैंने बुक्स उठाई गूगल है सब कुछ उठाया हर एक वर्ड का मैं हिंदी में मुझे मीनिंग मीनिंग मालूम होता था मुझे चीज़ें समझ आती थी मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे अपनी ग्रामर इम्प्रूव की पूरे वर्ड्स इम्प्रूव किए क्लास में भी स्टार्टिंग में लोग मॉक करते थे बट जब फिर मैंने उनको दिखाया कि भाई मेरा भी रिजल्ट आ सकता है और आ, दिमाग है बेवकूफ़ नहीं है <laughs> तो फिर दे अप्रिशिएटेड लोग सामने से आके फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते थे मैं बोल देती थी अब तो नहीं स्टार्टिंग में तुमने बोल दिया <laughs> तो so, ये तो करना पड़ेगा अगर तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ मीडियम का इशू है ना तो तुम लैंग्वेज देख लो गूगल है इतना सोशल मीडिया यूज करते हो गूगल का सही तरीके से यूज करो हो जाएगा इफ आई कैन डू इट तुम लोग तो फिर भी कर लोगे यार <laughs> तो यारो, मैं आपको सवाल पूछने दूंगा टेंशन मतलब सारे मैं नहीं पूछूंगा बट एक बहुत बड़ा टेक अवे है ना मतलब दैट इज के मीडियम मैटर ही नहीं करेगा कि अपने दिमाग में क्या अटका रहता है कभी कभी कि हमें समझ में तो आ रहा है बट लिखेंगे कैसे लिखना नहीं जम रहा है वगैरह सो इट इज़ दैट एरिया जहां पर ओनली सेल्फ हेल्प कैन हेल्प यू समझ रहे ओनली यू कैन हेल्प यूर सेल्फ बिकॉज एट दफ़ द डे आप ही को एग्जाम में आंसर लिखना है और कितना भी मेहनत कर लो जब तक आपका आंसर उस लेवल का नहीं है दैट चेकर इज लाइकिंग इट मार्क्स तो नहीं मिलने ना अब वो पुराने जमाने जैसा सिस्टम तो है नहीं कि वो आपका लेटर होगा और जैसे पुराने समय में मूवीज में देखते थे, थे ना वहां पे चेहरा दिखता था और वो बोलता है और ऐसा तो है नहीं ना आपका एग्जाम का पेपर कि वहां पे आपका वाइवा चालू हो जाएगा चेकर शुड लाइक इट पहले तो चेकर को मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए क्योंकि वो सौ दो सौ पेपर पढ़ चुका है तो एक और पढ़ लिया अच्छा लिखा मैंने सच में अच्छा लिखा किया इसको लिखा कंटेंट ऐसा सो इफ समवन फ्रॉम हिंदी मीडियम आपका ट्वेल्थ तक हिंदी मीडियम था माई गुड अगर कोई ट्वेल्थ तक अगर हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद में स्विच ओवर करता है और थ्री लेवल रैंक फोड़ता है एंड स्पेशली देखो सी ए फाउंडेशन में तो ट्वेंटी फाइव है सी एस एग्जीक्यूटिव इट इज रैंक वन प्रोफेशनल इट इज रैंक फोर इसका मतलब है कि अगर हम मीडियम की बात को लेकर बैठते हैं जो महाराष्ट्र में मराठी की बात हो गई या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज की बात हो गई वो तो एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए फॉर नॉट क्लियरिंग अगर हम रैंक फोड़ सकते हैं तो क्लियर करना तो शुड भी लाइक अ केक वॉक ना तो वो जो एक बहाना है वो नहीं होना चाहिए उसके लिए आप बच्चे ने क्या करना चाहिए स्पेशली कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं कुछ बच्चे जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं दैट इज़ अ सेल्फ हेल्प का एरिया अब इन्होंने बेरैक का इस्तेमाल किया इन्होंने खुद से पढ़ने की कोशिश की इन्होंने खुद से हर एक वर्ड का मीनिंग हम लाइफ में आसान क्या लेते हैं एक सेंटेंस पढ़ते हैं जो वर्ड नहीं समझ में आया सेंटेंस के हिसाब से उसका मतलब प्रिज्यूम कर लेते हैं हमारी डिक्शनरी में भी वर्ड का मतलब वही है तो गूगल तो है. है सवाल. सवाल मैंने कहा था एक ही सवाल पूछूंगा अब आप पूछ सकते हो बट जो बच्चों को एक और प्रॉब्लम आती है ना मैम वो है एग्जाम के एक दिन पहले को हैंडल करने के लिए वो नहीं मतलब नहीं धर 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 कुछ भी करा दो वो एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा थर थर कांपना हो जाता है तो थोड़ा सा प्रकाश डालो दो चीजों पर

लास्ट के थ्री फोर मंथ्स तुम्हें मिलते हैं सेल्फ स्टडी के लिए थ्री फोर मंथ्स में फर्स्ट वन पॉइंट फाइव मंथ्स आई यूज टू डू लाइक एक पूरा मॉड्यूल गो थ्रू करना एक एक लाइन करके मतलब एक चैप्टर में फिर भले मुझे दो दिन लग जाए तीन दिन, दिन लग जाए वन पॉइंट फाइव मंथ में मेरा फर्स्ट रिविज़न होता था देन सेकेंड रिविज़न फिफ्टीन डेज में थर्ड रिविजन फिफ्टीन डेज में अभी आते हैं मेरा मोस्टली दिसंबर अटैम्प्ट था तो पेपर स्टार्ट होते हैं ट्वेंटी वन से सो so, मुझे पता था पेपर में गैप नहीं होते दस दिन के अंदर सारे पेपर देने हैं तो मैं अपना टाइम टेबल भी वैसे करती थी अगर मेरा ट्वेंटी से पेपर है तो मैं फर्स्ट से टेंथ दिसंबर तक पूरा एक लाइक मॉक पेपर करती थी कि, कि किस टाइम पे मुझे उठना है पेपर की एंड पेपर की टाइमिंग भी आई गेस दिसंबर में दोपहर की होती है दोपहर को नींद आती है अपने को क्यों क्योंकि हम रात को फ़ोन चलाते हैं वेबसाइट वेब सीरीज <laughs> वेब देखते हैं एक्सेट्रा तो मैंने दोपहर को पेपर लिखने की क्योंकि आई यूश टू स्टडी एट नाइट ओनली अर्ली मॉर्निंग तो कभी भी नहीं पढ़ा मैंने तो मैं दोपहर को ही कितनी भी नींद आए पेपर लिखने का ट्राई करती थी पूरा मैंने मॉक प्रैक्टिस कर रखी थी कि और एक दिन में सिलेबस कैसे कवर करना है तो जनरली अगर कोई मुझे किसी ने मेरे इंस्टा या फिर लिंकडिन देखा हो तो वहाँ पे मैंने इंडेक्स मैपिंग का डाला हुआ था दैट आई लर्न फ्रॉम फ्राम समी एस फ्राम फ्राम हर यूट्यूब वीडियो कि उसने इंडेक्स मैपिंग कैसे की थी तो अगर तुम एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लेते हो ना फिर तुम्हें सिर्फ टॉपिक देख के पता चल जाता है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है तो मैंने पूरी इंडेक्स पे लिख रखा था मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं क्या तुम्हें लिखना है एंड लोगों को होता है एग्जाम में लिखना कितना है मतलब सर लिटरली पेपर में लोग पूछते थे पेपर के बाहर क्लास के पहले पाँच नंबर के पेपर के पाँच नंबर के क्वेश्चन के लिए कितने पेज भरने हैं बी कॉम का पेपर नहीं है ये तुम आधा पेज भी लिखोगे मैंने अपनी कॉपी देखी थी सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल की कुछ फाइव फाइव मार्क्स में मैंने आधा पेज भी लिखा है फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि मैंने कंटेंट लिख दिया था तो लास्ट के जो डेज है ना तो मैं फिफ्टीन डेज़ पहले मॉक पेपर की पूरी प्रैक्टिस कर लेती थी कि मेरा पेपर इस टाइम पे होगा इतना मुझे सिलेबस है ये कैसे कवर होगा एंड आई जनरली डू लाइक दिस कि अगर फर्स्ट पेपर जी का होता है तो मैं बैक लाइक नाइन्थ पेपर पहले उठाती हूँ दिसंबर के स्टार्टिंग में एट्थ सेवन्थ बैक चलती हूँ एंड इधर फिर फर्स्ट से नाइन्थ uh, तक चलता है ताकि मेरा हर सब्जेक्ट पे फ्लो बना रहे जो फर्स्ट पेपर होता है उसको लास्ट के टू डेज ही पढ़ मतलब हो जाता है यार क्योंकि तुम तीन चार रिवीजन करके आ जाते हो तीन चार रिवीजन के बाद मतलब आई डोंट नो तुम लोगों के साथ कैसा होता मुझे पेज नंबर याद हो जाते हैं <laughs> तो यार दो चीजें सीखी अपन ने एक और एक चीज तो अपन ने ये सीखनी है कि अपन जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना एवरीवन वन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी तो यू कैन नॉट थिंक टू कॉपी हर स्ट्रैटेजी बच्चे क्या करते सोते नहीं है

को समझ नहीं आ रहा लिखना क्या है दिसंबर या एंड वन मोर थिंग मतलब आई डोंट नो ये सबके साथ वर्क करता है नहीं बट पेपर पीछे से पढ़ना चाहिए पीछे इजी आता है <laughs> ये मैंने खुद फील किया जो पेपर मैं आगे से स्टार्ट करती हूँ उस पेपर पर लगता है ये तो फेल हो जाऊंगी बट पीछे से स्टार्ट करती हूँ तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पीछे के क्वेश्चन ईजी आते हैं <laughs> हम क्या हम क्रक्स में जीने वाले लोग हैं ठीक है <laughs> तो हम एक समरी बना लेंगे ताकि हमें जीवन में याद रहेगा मीट ठीक है तो मिलके कैसा लगा पहले तो लगा कि जीवन में कुछ किया नहीं है हमें बहुत कुछ करना है ठीक है सबसे पहली चीज हमने सीखी दैट द मीडियम इन विच यू स्टडी नॉट रियली मैटर इट्स द एफर्ट द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू आर रेडी टू डू मैटर सबसे पहली चीज हो गई यार दैट आपको मीडियम जिसमें भी आपकी पढ़ाई हुई है शुड नॉट वरी एंड आई टेल यू फ्रेंकली ये प्रॉब्लम जो है न महाराष्ट्र और एम पी में सबसे ज्यादा है बिकॉज इन दो स्टेट्स में लोकल बोर्ड इज प्रेवलेंट बाकी स्टेट्स में क्या है कि सी बी एस ई प्रेवलेंट है तो जहाँ पर सी बी एस ई प्रेवलेंट है वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा हो जाता है इंग्लिश का मैनेज बट महाराष्ट्र में भी स्टेट बोर्ड इज प्रवलेंट बहुत लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं एंड सेम एम पी में भी एम पी बोर्ड अरे एम पी बोर्ड का अलग ही सीन है आपने एम पी बोर्ड से पढ़े okay? सबसे पहला बोर्ड्स आपने कौन से ईयर में दिया था uh, और कौन सी क्लास

टेंथ ट्वेल्थ और इलेवन ट्वेल्थ ऐसा कुछ था एंड देन देड चेंज द करिकुलम वस्ट इमेजिन एंड देट वॉज अनदर रीजन जहाँ से एम पी बोर्ड में लोग फिर स्विच कर लेते थे फोर्थ तक एम बी बोर्ड पढ़ते थे फिर फिफ्थ बोर्ड आता था फिर लोग सी बी एस ई में स्विच ओवर कर जाते थे देन एम पी बोर्ड चेंज दिय टाइम स्ट्रक्च ऑल्स सो ये एक चीज सीखने की मीडियम को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़े से क्या लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं यू जस्ट वेन एवर योर रीडिंग यूजर डिक्शनरी और गूगल और उन वर्ड्स के मीनिंग लिखते चलो। तो ये प्रैक्टिस अगर आप छह सात महीने तक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो कैब आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज आप रीड ही रहे हैं पहली चीज दूसरी चीज जो मैम ने हमको बताई है वो ये है सोना जरूरी है भाई एग्जाम के समय पर एनश्योर दैट यू स्लीप अब ज्यादा तो नहीं कह सकते मैम फाइव आवर्स लिख दूंगा फाइव आर्स तो सो ही सही अब क्या हो जाता है कि जो बच्चे दोढाई घंटे सो के जाते हैं ना वहां परेशानी हो जाएगी आपको एंड फर्दर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं बस कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब एक समरी नोट्स बनाते चलो कि पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना कैसे आप अगर ऐसा विचार करोगे कि आप ही डिसाइड करोगे एग्जाम के दिन ही नहीं कर सकते तो पहले से बी एस एल प्रिपेयर हाँ केस मिलते में में बना थी थी अपने <laughs> नहीं नहीं सो अब अप, अपने नोट्स में लेफ्ट साइड पूरा ब्लैंक रहता है तो पे समरी नोट्स अपन ही बना लेते हैं और एंड में आपको क्या करना बता दूंगा एक और चीज थर्ड आकांक्षा की स्ट्रेटजी लिख देता हूँ यहाँ पे तो क्या हर एक की स्ट्रेटेजी अलग होती है आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ये आपको समझना पड़ेगा और अ, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना थोड़ा टाइम पहले आकांक्षा आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू रैंकर्स ओनली तो ऐसे सात आठ रैंकर्स थे और मैं उनसे बात कर रहा था अरे हरेक जना अलग है मैंने एक बार पूछा टेस्ट सीरीज दी थी क्या दो तीन रैंकर हमने तो कभी दी ही नहीं है अब यू रैंकर उठ भी हमने एकदम रिलीजियसली दी थी कुछ रैंकर्स हम प्रॉपर डे टू डे मार्किंग करके पढ़े थे कुछ रैंकर्स हम तो हेफेजाड है पढ़ते हैं जो सब सब्जेक्ट उठा लिया पढ़ लिया तो कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटी नहीं होती है आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम अगर इस स्ट्रैटी से सॉल्व हो रही है तो यू कैन पिक इट आप अब इनकी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया रफली भी अगर लिखू तो जैसे कि ये होता था एग्जाम तो आप गुंडे एग्जाम के लास्ट टेन डे तो दस नौ पेपर पढ़ते थे वन डे इच करती थी बिकॉज मुझे पता है नाए, ये नाइन डेज में मुझे बहुत स्लीप uh, भी नहीं मिलेगी okay. पढ़ना भी है okay. तो दिसंबर फर्स्ट टू टेंथ प्रॉपर मॉक पेपर का प्रैक्टिस करती थी जो इलेवन टू ट्वेंटी है इलेवन टू एटीन उसको नॉर्मल पढ़ती थी कि थोड़ा सा आराम चाहिए बिकॉज नेक्स्ट टेन डेज यू कान जस्ट गो फॉर अ मंथ लाइक विदाउट स्लीप प्रॉपर स्लीप चाहिए तो बीच का ये जो गैप है यहाँ पे मैं अपनी स्लीप प्रॉपर लेती थी एंड यहाँ तो फिर एग्जाम पता ही है नौ दिन बिना आपकी एग्जाम की यहां पे इट वाज यूज्ड टू थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स करेक्ट पढ़ते तो थे ही बट रिलैक्स एंड स्टडी और सिर्फ रिलैक्स एक्सरसाइज तो गधे कुछ भी करेंगे एंड इन 10 डेज वी यूज्ड टू स्टडी वन सब्जेक्ट एवरीडे वन सब्जेक्ट एवरीडे एंड टू टू फाइव पेपर आईसीएसआई का लास्ट अटेम्प्ट का पेपर प्रैक्टिस करती थी मॉक एग्जाम लिख देता हूं ना या मॉक पेपर बस मॉक एग्जाम एक सेकंड एक वंडोज मॉक एग्जाम का मतलब समझो इनका कहना है वट यू वट सी यू डूज फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी इनके एग्जाम है सेम एक्सपीरियंस से ले लेते थे फर्स्ट टू टेंथ में कि डेली उठना है पेपर के लिए पढ़ना है दोसरे पांच ही पेपर देना है फिर अगले दिन के पेपर के लिए पढ़ना है फिर दो से पांच पेपर देना है फिर अगले दिन के पेपर के लिए पढ़ना है तो वंस यू डन यू हैड दी सेम एक्सपीरियंस लाइक द एग्जामिनेशन तो आप ऑलरेडी काफ़ी प्रिपेयर हो जाते हैं और एग्जाम के दिन का जो घबराहट है वो कम हो जाएगा और वो जो दिन का लॉजिक है कि दिन में नींद आती है वो सब नहीं होगा बिकॉज यू ऑलरेडी एक्सपीरियंसड उसके बाद में दस दिन, मतलब पढ़ना है स्लीप लेते, लेते रहो ताकि काइंड ऑफ kind of के ट्रिप पे जा रहे हो तो पहले मोबाइल फुल चार्ज कर लिया है अपन ने हेल्थी हैं वो सब कर रहे हैं कि अगले दस दिन की लड़ाई है तो उसके पहले नौ दिन प्रॉपर अप हो गए ताकि परेशानी नहीं हो उसके पहले इन्होंने बताया था उसको मैं पे समरी अगर करूँ

फर्स्ट रिविजन बहुत ही सही तरीके से उसको इन्होंने ज़्यादा समय किया है व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है कुछ लोगों को फर्स्ट में बहुत समय थर्टी डेज तो में मॉड्यूलेट तो कर सकते हो एंड टेन डेज पूरा मॉक फीलिंग स्टडी एंड फाइनल एग्जामिनेशन शी वॉज वन ऑफ दोनों कभी जून देने का मौका ही नहीं पड़ा राइट right? राइट right? तो तो,

पे अगर पढ़ा है तो संडे मूवी देखेंगे या फिर कुछ भी करेंगे पढ़ाई नहीं करना है तो वो संडे का टाइम मेरा ऐसा हो जाता था अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो संडे मैं नहीं पढ़ूंगी अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मैं संडे को कंप्लीट करती थी तो मेरा जो टोटल रूटीन है कि नेक्स्ट वीक का मेरा ये टारगेट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता था अदरवाइज तुम्हारा इस वीक का तुम्हारा टारगेट कम्प्लीट नहीं हुआ तुम्हारा वो नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड होगा फिर तुम्हारा नेक्स्ट वीक का टारगेट भी

बट संडे तो नहीं पढ़ना है बता के गए थे और हर एक व्यक्ति जो बताएगा उसमें से वही एक जना बोल रहा है हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लो संडे नहीं पढ़ना है पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है अपने अपने हिसाब से थिंक बट uh, मैं मेरा भी ना पर्सनली आई वॉज अ स्टूडेंट ना संडे का एक हाफ मैं भी पूरा ब्रेक लेता था नहीं मतलब नहीं बट वो आप तभी ले सकते हो वैन यू हैव अर्नड इट थ्रू द एंटायर वीक का हार्डवर्क फ तो सैटरडे को आपको लगता है कि इस वीक मैंने कुछ ब्रेक नहीं लिया मैंने सिर्फ पढ़ाई किए दिन रात पढ़ाई किए मैं घर से बाहर कहीं नहीं गया डिजर्व अफ फाइव टू सिक्स सेवन आवर्स मूवी देख के आ गए क्रिकेट खेल लिएट इस फेयर बट अगर आपको लगता है कि रोज ही मैं लेक्चर के बाद दो घंटे तो मैं एक्सप्लोर ही करके घर जाता हूं तो फिर आप संडे को यह नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं वापस ब्रेक लू यस यस अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया

ब्रेक लेके बाद में वापस पढ़ लेते हैं तो अपने लेवल पे खुद को प्रेशराइज नहीं करने का कभी भी अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता है तो इट इज पार्ट एंड पार्सल एवरी वन गोस थ्रू इट बिकॉज कैसा है यार बिकॉज आज की तारीख में जो सिलेबस बनाए वो सबके लिए बनाए तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो सबके हिसाब से बनाए ना राइट द डे यू बिकम अ सी तब आपको सब में प्रैक्टिस नहीं करना होता है तब आपका थोड़ा स्पेशलाइजेशन आता है और तब आप जो आपके इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम करते हो तो लाइफ लॉन्ग आप वो करोगे जो आपको पसंद है इफ इट ऑल यू वॉन्ट टू वो कि आपको ये सेबी के कम्पलाइंसेस अच्छे लगते हैं तो आप लिस्टेड कंपनी में गए सेबी के कंप्लाइंस ज्यादा है तो वहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी का काम नेग्लिजिबिलता है नहीं ही करना है ग्रुप कंपनी में अगर कुछ नहीं है तो यू लाइक कि मुझे तो आई बी सी में ही मजा आता है तो आप आई बी सी की कंपनी में गए तो आपको उस प्रकार का काम मिलेगा बट जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा तो एक फेज़ है तो खुद को समझा के रखना है कि कभी अगर इंटरेस्ट नहीं भी आता है तो इट इज़ परफेक्टली फाइन इट इज़ ऑल एक्सेप्टेबल राइट चलो और कोई सवाल जो आपके हैं जो आकांक्षा से आप पूछना चाहते हैं Yes, जी जी पूछो ना ओके तो क्वेश्चन ये है मैं माइक पे बोल रहा है बस कि जब इनका एयरटेल में हुआ तो इंटरव्यू मतलब एयरटेल इज अनदर वन ऑफ दोज कंपनीज व्हिच इज अस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ़ पीपल वांट टू गेट इनटू दैट कंपनी सो हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू स्पेसिफिक स्टार्ट करते हो ना बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वेन यू गो इन टू द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड फर्स्ट इंटरव्यू खराब होता है सबका होता है तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए आई गेम आई फर्स्ट इंटरव्यू इन टाटा थर्टी मिनट्स तो मैंने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था लास्ट के फिफ्टीन मिनट्स में पता नहीं मैंने क्या बोल दिया आई वॉज़ रिजेक्टेड सेकेंड इंटरव्यू रिजेक्टेड उसके बाद फिर धीरे धीरे दिया मैंने करते करते फिफ्टीन इंटरव्यूज़ दिए थे एयरटेल वॉज द फर्स्ट वन जिसका मुझे ऑफर आया था एंड बच्चों को ये लगता क्योंकि listed companies है क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी इंटरनल प्रोसेस होती हैं हमें लगता है कि तुरंत रिप्लाई चाहिए नहीं मिलता एक एक महीने प्रोसेस में लग जाता है एयरटेल में, में मेरा बोल्डिंग प्रोसेस वन मंथ का पूरा था मतलब मुझे ऑफ उफ... उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि कंफर्म है तुम अब बाहर इंटरव्यू देखना बंद करो बट एक महीने में मुझे ऑफर लेटर दिया था एंड उसके बाद मुझे बाकी सारी जगहों से भी कॉल्स आने लगे थे बट तब तक मैं ज्वाइन कर चुकी थी सो लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट सो क्वेश्चन नर्वसनेस होती है सबके साथ कॉमन है कोई बड़ी बात नहीं है सो so, एयरटेल uh, की जो वैकेंसी थी वो अनलिस्टेड ग्रुप में थी इवन उन्होंने पूछा था कि आकांक्षा आप रैंक होल्डर हो आप लिस्टेड प्रिफर करोगे एनी हाउ हो मैंने बोला नहीं मैं इंटरव्यू दे दूंगी एक एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा उन्होंने कोर कंपनी लॉ पूछा था अभी प्रोफेशनल में क्या होता है हमारे पास कंप अभी आई डोंट नो ये न्यू सिलेबस के बच्चे हैं ओल्ड सिलेबस के न्यू बट ओल्ड मतलब जो हमने दिया था तो उसमें कंपनी लॉ प्रोफेशनल में बहुत कम होता है एग्जैक्यूटिव में पढ़ के आते हैं कंपनी लॉ पे हमारी ग्रिप चली जाती है तो क्योंकि मैं अनलिस्टेड ग्रुप में दे रही थी उन्होंने कंपनी लॉ का कोर पूछा था प्रोविजो के अंदर के भी पूछ रहे थे एंड मुझे नहीं आता था बट द ओनली थिंग कि कॉन्फिडेंस और सेकेंड थिंग इज कि द वे यू टेल देम कि हाँ अभी मुझे नहीं आता है बट आई विल लेट यू नो आई विल फाइंड इट आउट एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं सीख सकती हूँ बहुत मुझसे भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर के टाइमलाइंस और ये सब एंड टाइमलाइंस लाइन्स इज द थिंग कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टाइमलाइंस डेज पेनल्टी ये सब नहीं याद रहती है ये तुम्हें बार बार रिवाइज करनी होती है मैंने आई डोंट नो मैंने इंटरव्यूज़ में क्या क्या बोला होगा मुझे बिल्कुल नहीं याद बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे आर अगर वो पूछ रहे है, केस वो जनरली क्योंकि टॉप कंपनीज हैं वो केस स्टडी बेस्ड पूछते हैं और वो जनरली बच्चे क्या करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे सी एस आर आर पी टी ऑडिट कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा लेकिन ये सब पूछेंगे बट थोड़ा सा चेक करने के लिए वो एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक वन सिक्सटी थ्री प्रपोशनेट डायरेक्टर का है बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो वहाँ से भी पूछेंगे कि उन्हें पता है कि अगर प्राइवेट कंपनी के लिए या फिर अनलिस्टेड ग्रुप के लिए ला रहा है तो हमें अंदर की डिटेल्स पता करनी होंगी और लिटरली लिस्टेड कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप होता है या फिर प्राइवेट जो ग्रुप कंपनीज होती है प्योरली प्राइवेट नॉट डीम्ड पब्लिक वहाँ पे इतने लूप होल्स मिलेंगे तुम्हें रियल कंपनी एक्ट वहीं पे पता चलता है लिस्टेड कंपनी में वहाँ पे लिस्टेड डिपार्टमेंट भी था मेरे पास एक चांस भी आया था कि मुझे अगर स्विच करना है बट मुझे पसंद नहीं आया मुझे कंपनीज एक्ट इतना प्यार हो गया कि अभी भी मैं कोर कंपनी लॉ एंड फेमा में इंटर्नशिप कर रही हूँ उधर भी अगर तुम्हें लगता है कि हर चीज़ मिलेगी लेकिन लिस्टेड कंपनी में इतना डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है ना अगर तुम एल कर रहे हो एलओडीआर ही करोगे तुम कंपनी कर रहे हो वो करोगे कॉरपोरेट एक्शन अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो करोगे तो तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलती लेकिन पढ़ाई के टाइम तुम हर चीज पे फोकस करो बाद में डिसाइड करना कि तुम्हें किस एरिया में जाना है एनीथिंग एल्स क्वेश्चन अदर क्वेश्चन तो गुंडे ऐसा है कि कंपनीज <coughs> एक्ट तो आना ही चाहिए थोड़ी दिन पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई सेक्शन आता है ना तो आप घर जाके उस सेक्शन को तो डेप्थ में पढ़ लो इफ यू आर टारगेटिंग अ लिस्टेड कंपनी ना लिस्टेड तो बाद में होगा पहले वो कंपनी है तो तुम्हें कंपनी एक्ट आना तो, thing, तो कोई कंपनी लॉ नहीं आता बिकॉज़ आई एम इन अ कंसल्टिंग फर्म देना कभी -कभी मुझे लगता इतने सीली लेते। नहीं, नहीं नहीं वो सही है और उसका कारण है कि ओल्ड अभी जो सिलेबस है वो न्यू है उसके पहले ओल्ड था उसके भी पहले जो सिलेबस था उसमें प्रोफेशनल में एक पेपर हुआ करता था एडवांस पहले हुआ करता था फिर वो हट गया तो प्रोफेशनल में नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है अब वो एंड पार्ट्स में आता है आज हमने रूल फोर पढ़ा ये आ गया फोर्टी एट आ गया थोड़ी दिन पहले फोर्टी सिक्स तो ये सिक्सटी सिक्स आ गया तो ये बिट्स एंड पार्ट्स में आएगा लेकिन एस कंपनी लॉ नहीं है तो आपने अपना कंपनी लॉ स्ट्रॉग करना है फॉर इंटरव्यूज़ बट उसका फ़ायदा मैं बताऊँ क्या है थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रहा था किसी भी सब्जेक्ट में बी एड सी एस आर बी एट डी डी कोई भी act के सेक्शन का जिस मोमेंट पे रेफरेंस आता है उसी दिन रूल बनाओ कि घर जाना है और वो बेरे एक्ट से प्रॉपरली पढ़ना है अगर आप ये पूरे बैच कर लिए पाँच छः महीने कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपका एक बड़ा चंक ऑफ कंपनी लॉ पढ़ के हो जाएगा और इसके दो फायदे होंगे इंटरव्यू में तो फायदा मिलेगा इससे आपका प्रोफेशनल के मार्किंग भी बेटर ही होगी एग्जाम के लिए बेटर है क्योंकि अपने वही सेक्शन पढ़ा है जो प्रोफेशनल्स के अंदर था तो एक ये हैबिट बना लो अदरवाइज़ क्या है आप सोचते हैं कुछ बच्चे सोचते ना कि हम बैरैक लेके बैठेंगे वन टू थ्री फोर पढ़ेंगे वो डिसिप्लिन से नहीं कर पाओगे बट एटलीस्ट ये रूल रख सकते हो कि जिस सेक्शन का रेफरेंस क्लास में आएगा वो घर जाके पढ़ लेंगे डेली तो आज जैसे कि 48 एट आया तो 48 घर जाके पढ़ना है आज 43 का आया था फॉर डिफरेंशियल तो वोटिंग रेट तो डिफरेंशियल वोटिंग रेट घर जाके पढ़ना है इतना भी कर लिया तो एटलीस्ट यू आर गोइंग समवेयर और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा मान लो दो दिन किसी कारण से नहीं कर पाए तो तीसरे दिन वापस कर लो जो क्लास में रेफरेंस हुआ है वो घर पर पढ़ना है तो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजी बिकॉज आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे अब क्या है अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा सोचें बिकॉज यू गैज आर दोस्त हैव डिसाइडेड एग्जाम्स देने के बाद ट्रेनिंग करनी है तो उस दिशा में ज्यादा सोचा ना तो अभी कोई सेंसिबल नहीं है जब एग्जाम होगा उसके बाद में उसी दिशा में रिसर्च करो लेकिन अभी के लिए यह जरूर करो कि सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छा रखो ताकि इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आए दैट इज शी टू से कि कंपनीज एक्ट भी रखो आप लोगों का अभी क्या सपना हो जाता है मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओ मैं पूरा एलओडीआर देती थी लिटरली मेरे को इन्फोसिस और ये सब में भी बोल दिया था बेटा हम कंपनी सेक्ट पूछ रहे हैं फिर मैं ध्यान करती थी हाँ टेक योर टाइम फिर मैं कंपनी एंड बता रही होती hmm. थी क्योंकि प्रोफेशनल में एल है और सबके माइंड में यही आता है आर बोल दिया पूछा पे ध्यान नहीं जाएगा बिकॉज प्रोफेशनल में जो फंडिंग का सब्जेक्ट है ना वो सिक्योरिटीज लॉ है तो वहां पर आप ये सब चीजें वापस पढ़ लेते हैं सिक्योरिटीज लॉ के प्रोविजन बट कंपनीज एक्ट एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो घर पे थोड़े से एफर्ट्स हो तो इंटरव्यू में बेनिफिट होगा फर्दर दूसरी चीज एक और चीज़ उन्होंने की वो भी ध्यान रखना है जब इंटरव्यू आएंगे तब ध्यान देंगे बट फिर भी क्या पता है वीडियो कोई व्यक्ति तब देख रहा हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चन इफ यू डू नॉट नो द आंसर बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो टेन ऑन टेन सही देगा उसी को वो लोग लेंगे बट जो व्यक्ति चार जवाब नहीं भी दे पा रहा है मतलब मेरे हिसाब से आई हैव नेवर सीन एन इंटरव्यू जिसमें एक व्यक्ति सारे आंसर सही दे पाया और उसको लगता भी है तो भी वो एक्चुअली एक दो तो गलत देकर ही आया है बिकॉज इंटरव्यू और क्या करता है इस माइंड को समझना मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ मेजोरिटी ऐसे ही लेते हैं और ये आंसर दिए जा रहे हैं तो अगर मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका इन्होंने आंसर दिया तो मैं थोड़ा और डीप में पूछूंगा अगला वाला थोड़ा और डीप में आएगा और डीप वाला भी आंसर दिया अगला और डिफिकल्ट और डीप पूछूंगा ताकि मैं जाऊं तो सही कितनी गहराई है तो एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जहां पे इनको नहीं पता होगा एंड दैट इज वेरी मच ओके दैट इज वेरी मच ओके कोई परेशानी की बात नहीं है तो उन्हें आप कैसे हैंडल करते हो वी कैन हैंडल इट अपट यार दिस इज एन एरिया जो कि मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता है रफली आई नो दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज एंड आई स्पेसिफिकली नो कि यहाँ पे इस एरिया में देखना है कि कंपनी है कि सेक्शन के अंदर मुझे देखना होगा आईसीडीआर में ये प्रोविजन में देखना होगा बट 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 दिस इज एन एरिया विच आई एम नॉट अवेयर विथ और आपने एक पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई दिया कि मुझे यहां तक का तो ये पता है लेकिन ये एक पैच है जो मुझे नहीं पता है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लर्न अबाउट इट टू डे इट सेल्फ तो मैं जाएगा और इस बारे में पढ़ेगा ये एक माइंडसेट शेयर हो गया ना तो सामने वाले व्यक्ति इज़ एनीवेज़ इंप्रेस्ड तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू तो आंसर एवरी क्वेश्चन इन द इंटरव्यू एज़ वेल राइट तो इंटरव्यू की चीज पे नहीं रहते हैं फर्दर एक और चीज बहुत लोग पूछना चाहेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए क्या कि एक जगह पे इंटर्नशिप करके स्विच करना चाहिए क्या तो आइडियली मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता कोई कारण होता है जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो कारण आप फेस कर रहे हो फिर आप स्विच करते हो तो वो सर्कमसनेशियल हो गया कि आपने उस सर्कमसेंस के अंदर सोचा कि अब आपको स्विच करना है बट पहले से ये प्लानिंग में मत रखो कि मुझे करनी है इंटर्नशिप और स्विच करनी है आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस फर्दर इंस्टीट्यूट इज रिवाइजिंग देयर ट्रेनिंग का रेगुलेशन तो उसके तहत दे विल नॉट अलाउ स्विचिंग फर्दर तो मोस्टली मतलब बहुत एक्सेप्शनल केसेज में स्विचिंग अलाउ करेंगे अदरवाइज अलाउ भी नहीं करेंगे तो रैदर यू शुड प्लान इट अप कि एक ही जगह पर करना है ट्वेंटी वन मंथ्स वहीं पर करना है वहीं से जॉब का ऑफर लेके निकलना है ट शुड बी द बेस्ट आइडिया यू हैव फर्दर वहाँ पे नहीं मिला तो कहीं और तो मिली जाएगा या फिर वहाँ मिला तो भी आप बाहर के इंटरव्यूज दे सकते हो वो सब अलग इशू हो गया लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि टॉप नॉच नॉलेज होनी चाहिए चलो गुंडो और कोई सवाल किसी के दिल और दिमाग में घूम रहा हो कि सर ये परेशानी आती है ऐसा yes, मैं, मैं मैं इसका आंसर कल देता हूं आपको ठीक है

पंक्चुअलिटी के लिए अगर तुम्हारा माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है फॉर स्टडी थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट कर दो तुम वापस आओगे ना डबल मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे आई यूज टू डू दिस ऐसा पढ़ाई नहीं करना है ना तो आप उस टाइम पे ब्रेक ले सकते हो अब ये हर एक के लिए क्यों है क्योंकि इनको फीलिंग ही पंद्रह दिन में एक बार आती थी तो शी कैन अफोर्ड टू से मन नहीं हो रहा है नहीं पढ़ना है अब जिसको दिन में दो बार आ रही है वो ऐसा वो नहीं कर सकता है ना तो इसलिए बस ये समझो कि अगर आपके ऊपर ये फिट इन होता है कि मुझे नॉर्मली पढ़ता हूँ अच्छे से कभी महीने में एक बार दो बार घर की याद आ रही है पढ़ाई नहीं हो रही है तो इट इज़ परफेक्ट उस टाइम पर खुद को जबरदस्ती मत करो पढ़ने के लिए टेक अ ब्रेक निकलो आराम से जाओ ब्रेक लेके आओ मूवी देख कर आओ क्रिकेट खेल जिसमें आपको मजा आता है हर एक व्यक्ति का अलग अलग है ना जिसको आप जिस चीज़ में आपको मजा आता है ना वो चीज़ कर को के आओ आराम से और फिर वापस पढ़ाई कर लो प्रोवाइडेड कि वो ब्रेक कम हो रहा है अब जिसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है मतलब उसका अंदर क्या है आपका वो प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है कि अपन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे तो कैन वर्क इन दैट डायरेक्शन अपने हिसाब से मस्ती से कर सकते हो कोई लोड नहीं है है ना अच्छे से कोई और सवाल यस यार प्लीज़ इंटरव्यू से रिलेटेड है क्या पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ उनका सवाल यह है कि इंटरव्यू में किस प्रकार की नॉलेज की अपेक्षा की जाती है सिर्फ हमने जितना सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट के दायरे का पढ़कर गए तो चलेगा क्या राइट सो दे जनरली आस्क यू इधर कंपनी एक्ट और एलोडियर फेमा उनका मेन तीन पे ही सब्जेक्ट तीन पे ही स्टिक करते बाकी जो तुमने ई में इतने सारे एक्ट पढ़े ये सब बहुत रेयर पूछते हैं और वो नहीं चाहते कि तुम बेयर एक्ट रट के आओ दे देवर वॉन्टेड बट वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं की स्टडी इफ यू सी वन एट्टी अगर उस पर डीप स्टडी करने लग जाओ तो एकदम प्रॉपर मुझसे एक वन की केस स्टडी पूछ ली थी आई वॉज लाइक सर मैं पेन पेपर ले लूँ मेरे को ड्रॉ करना है <laughs> तो हो जाता है सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना

यही समंदर इन इट सेल्फ एग्जीक्यूटिव का क्या याद होना चाहिए अगर ये सवाल है ओनली कंपनीज है फेमा भी बता रहे हैं वो भी बहुत कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है जिन कंपनीज के अंदर फेमा का, का काम है वो लोग फेमा के सवाल पूछेंगे तो आप जहां इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे फेमा का, का काम होगा नहीं होगा ये भी सब्जेक्टिव है तो आपको फेमा भी वापस खोद के पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जो आपका प्रोफेशनल के करिकुलम में कवर्ड है वो और एग्जीक्यूटिव का कंपनीज है ये अगर मैं कहता हूँ तो ये बेर मिनिमम रहेगा कि इतना आप पढ़ के जाते हैं तो यूल बी एबल टू सॉल्व इट अप फर्दर एज आई सेड कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ भी आएंगे बट आपकी नॉलेज वो कैसे जज करते हैं एक तो आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन हाउ यू आर हैंडलिंग द क्वेश्चन नो एंड सेकेंड इफ टेन पीपल आर गिविंग द इंटरव्यू उन टेन में आप कैसे रहे okay. तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो एवरीथिंग बट यू आर एबल टू हैंडल सबस्टैंडियल चंक एंड बेटर देन एवरी वन एल्स देन ऑल्सो यू गेट थ्रू सो देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल इतना ईजी नहीं है बट आपका सवाल होगा तो इतना सा कि सिर्फ जितना प्रोफेशनल में है उतना पढ़ लिया मोर ऐसा आप कुछ पूछना चाहते इट्स अ गुड क्वेश्चन ये वो सवाल है जो व्यक्ति पूछ नहीं पाता है जनरली ऐसा तो ये मैं तो कभी नहीं पूछ पाता तो ठीक है तो इनका सवाल ये है मैं सवाल रिपीट करता हूँ बस हमारे जो ये शो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए कि किस टाइपन की क्या अपेक्षा रख के जाएं हम जब जा रहे हैं तो है ना अरे ये नहीं कितना, इतना मुश्किल से मैंने संभाला थोड़ा सा अब वो लड़का बोल रहा है नहीं इनकी जितनी थी इनके जेब में पैसे कितने मुझे बताओ अभी सो हाउ इज द जनरल इस एंड इफ यू वांट यू कैन गिव द रेंज एज़ इफ यू वांट सो है ना so, like, इट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी अगर तुम टीयर टू में जाओगे तो मैं कंपनी सिक्स सेवन ही देती हैं एंड फर्म टू 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 फाइव समथिंग ऐसे मतलब इंदौर जैसी सिटी में अभी भी बच्चे फाइव फाइव के बीच में ही कर रहे हैं पर मंथ एंड इफ यू गो टू दिल्ली दिल्ली में इट्स अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मुंबई में कंपनी पेज uh, uh, अभी टाटा की एक वैकेंसी आई थी दे आर पेइंग थर्टी फाइव थाउजेंड So क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट था कि दे वैंक होल्डर दे वर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर एंड सब कुछ था तो इफ यू वॉन्ट अ गुड्स टाइप एंड यू हैव टू क्रैक इट सो मुंबई में जनरली ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में मिल जाता है कंपनीज में एंड फर्म्स भी अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी पे करती हैं डिसेंट फॉर्म्स अब इस सवाल का जब आंसर दे ही ना तो आई जस्ट गिवेर Uh, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्टाइपेंड भी मैटर करता है ठीक है रेंट और अब कैसा है, यारा? Is, के अब क्या है मेरे लिए कहना आसान है बट एक व्यक्ति के लिए करना मुश्किल हो सकता है तो मेरा जनरली कहना है कि अपने घर वालों से अपने इतने साल पैसे मांगे ना दो साल और मांग लेंगे कोई बात नहीं बट यू शुड नॉट मेक इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू टेक अ डिसीजन कि आप डिसीजन इसी के बेस पे ले रहे हो ऐसा मत करो प्रोवाइडेड अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको खुद का खर्चा कुछ चलाना ही है कि फाइनेंशियल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है घर से पैसा ले ही नहीं सकते खुद से चलाना है तो उनके लिए मैं ग्रफ आई डी दे, दे रहा हूँ स्टाइपन का कैसे रखना है स्टाइपन के कुछ फैक्टर्स रहेंगे एक हो गया फर्म और कंपनी एक हो गया सिटी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स रहेंगे जिसके बेस पे आपका स्टैपन डिपेंड करेगा अगर आपकी सिटी इस टीयर वन तो स्टेपेंड इज गोइंग टू बी मोर एंड जितना आप टीयर टू टीयर थ्री में जाएंगे स्टेपेंट इज गोइंग टू बी लो सिंपल ये एक फैक्टर हो गया दूसरा फैक्टर अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाएंगे तो स्टैप एंड इज गोइंग टू बी हाई कंपेरिटिवली कंपनी में जाएंगे तो भी ठीक है और अगर आप फॉर्म में चले जाएंगे तो कंपेरिटिव स्टेपन इज पर मतलब एक अकेला व्यक्ति इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे तो स्टेपन इज गजेबल पेट्रोल का पैसा मिलेगा ऐसा समझो सिंपल हिसाब है अब इसके साथ में इशू क्या होता है so becomes, company, यहां पर कंफर्टेबली आज की तारीख में बीस मिल जाते हैं बहुत कंफर्टेबली मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्टिकल शिप करें, इनके कर इनके मित्र भी करेंगे फिफ्टीन ट्वेंटी थाउजेंड बहुत कम्फर्ट मिलते हैं ट्वेंटी फाइव भी मिलते हैं थर्टी भी मिलते होंगे टाटा सेंस वगैरह अब वो एक्सेप्शनल है क्या तो अपन रफली बात करें तो फिफ्टीन ट्वेंटी तो आराम से मिलता है स्टैपेंट बट वो क्या हो गया कॉम्बिनेशन टीयर वन एंड लिस्टेड कंपनी जैसे जैसे आप वेरिएशन चेंज करते रहोगे वैसे वैसे स्टैपेंट चेंज होता रहेगा अब अगर स्टैपेंट के अंदर आपने ले लिया कि सर टीयर वन में तो चले जाएंगे लेकिन हम करेंगे फर्म में तो ये थोड़ा सा कम होकर पंद्रह के आसपास आ जाएगा और ये भी मैं रेंज दे रहा हूँ चेंज तो हो ही सकता है अभी कैटिंग अ फेर आइडिया लेकिन माय सजेशन इज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिटी कोशिश करो कि बेस्ट सिटी में जाओ बिकॉज काम वहां पे वैसा होता है जितनी बिगर सिटी में जाओगे उतने बिगर क्लाइंट्स बिगर क्लाइंट्स बिगर कॉर्पोरेट कल्चर बेटर एक्सपीरियंस ये सब चीजें मिलेगी ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है यहां पर मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता यहां पर मैं कहता हूँ क्लियरली टीयर वन सिटी में जाओ गो टू मुंबई गो टू बैंगलोर बैंगलोर बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रोवाइज कर रहा है पहले बैंगलोर इतना बड़ा नहीं था बैंगलोर हैदराबाद मुंबई दिल्ली कोलकाता दीज आर गुड सिटीज जहाँ पे आप जाके मस्ती से इंटर्नशिप कर सकते हो एंड यू विल गेट गुड स्टाइप एज अगर वो फैक्टर है ये आपके लिए पर्सनल चॉइस है अगर आपके लिए लाइफ में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है देन यू शुड ट्राई फॉर दिस जॉब सिक्योरिटी चाहिए बेस्ट है लिस्टेड कंपनी में जाने का लिस्टेड कंपनी में जब आप जाते हैं तो आप एल वगैरह ऐसा है मतलब वो इट्स ब्रेड एंड बेटर किसी को भी वो आता है तो वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में जाके काम कर सकता है बिकॉज एल ओडीआर कंप्लाइंसेज आर मोरलेस सिमिलर अलग तो होंगे मोरलेस से मिले वो अगर आपको आता है तो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी हो जाती है आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी है देन यू हैव टू गो समवेयर हियर बिकॉज फिर आप लिस्टेड कंपनी का काम सीख लिया अच्छे से खुद की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कौन सा लिस्टेड कंपनी क्लाइंट मिलेगा कठिन है बहुत तो अगर आपको क्लियर है कि नहीं मुझे खुद की ही प्रैक्टिस करनी है देन आप यहाँ पे कहीं पे जा सकते हैं जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे कहीं पे जा सकते हैं तो ये बहुत सब्जेक्टिव है लेकिन यहाँ पे तो ऑलवेज प्रिफर्ड ईयर वन वन में काम सीखो फिर भले ही आप कहीं और जाके प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा बट काम टन में सीखो तो आपको मजा आ जाएगा लास्ट पॉइंट अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं और एक फिक्स सिटी है कि मैं यहीं प्रैक्टिस करूंगा तो फिर वहीं पर आर्टिकलशिप कर लो ताकि कनेक्ट बिल्ड हो जाएंगे पहले ही और फिर आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो तो ये एक और फैक्टर आ जाता है किसी को पुणे में ही आर्टिकलशिप करनी है फिर वो पुणे में ही प्रैक्टिस करनी है खुद की फिर वो डेली जा रहा है चलेगा बट फिर आप पुणे में भी कर लो ना पुणे इज नॉट सो बैड पुणे इज ऑल्सो गुड एंड देन यहां पे आपके जो कनेक्ट बिल्ड होंगे वहीं पे आपको क्लाइंट एक्विजिशन रहेगा और यहीं पे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो आई सेड इन इज आर ऑफ रीजन टू कंसिडर स्टाइपेंड शुड नॉट बी वन ऑफ देम बट अगर स्टाइपेंड है आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यह है अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है टीयर वन सिटी गिवस गुड स्टाइपेंड बट देंस इज ऑल्सो यूज मुंबई क्या ये पैसा लो चयन का और रेंट भर दो बस अपनी <laughs> तो प्रॉब्लम यही है ना कि नीला लाइक मुंबई द एक्सपेंसिस यूज बट अगेन दिस विल पे यू ऑफ वंस यू आर डन विथ योर सी एस अब क्या है जो लिविंग एक्सपेंस है वो तो सेम ही रहेंगे बट एवरी पासिंग ईयर आपका जो रेवेन्यू आपका जो सैलरी वो तो बढ़ता रहेगा ना तो फिर वो बाद में बेनिफिट मिलता है एक छोटी जगह पे आप पार्टनरशिप करके पहली जॉब करें और आप बहुत अच्छी जगह पर पार्टनरशिप करके पहली जॉब करें पे में डिफरेंस हो जाता है हंड्रेड परसेंट डिफ्रेंस हो जाता है सो डू नॉट ट्राई एंड सेव अप मनी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप दैट शुड नॉट बी योर फोकस जरूरी है तो फिर लिस्टेड कंपनी में करो ना वहाँ पैसे ठीक ठाक मिल ही जाते हैं बट डो नॉट ट्राई एंड सेव अप मनी हियर बिकॉज फिर उसका कॉस्ट आपको बाद में पे करना पड़ेगा वैन जॉब ढूंढने जाते हैं तब थोड़ी परेशानी हो सकती है तो इट इज़ जस्ट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि जो येलो येलो, येलो हाईलाइटेड में जाओ तो बेस्ट है और जिसको प्रैक्टिस करना है तो टीयर वन के साथ में बड़ी फॉर्म में चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सो तो पे रिसेंटली ऐसा और कुछ जगह पे स्टेपेंट बहुत ही एकदम डीमोटिवेटिंग लगेगा तो बुरा मानने का नहीं दैट इज हाउ इट इज ऐसा जो इन्होंने बोला दो ढाई हजार है ऐसा दैट इज रियल बस बस तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सर मतलब पच्चीस हजार भी मिल रहा है और ढाई हजार भी मिल रहा है हाँ तो रेंज जैसा कुछ नहीं है सिटी बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगी जहां पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं अवैन एंड आई टेल यू इट्स मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट सैलरी में भी ऐसे ही होगा जॉब के बाद भी सिटी में रात और दिन का डिफरेंस हो जाएगा अगर आपकी इच्छा है कि मैं मैं आर्टिकल शिप छोटी जगह पर करूँगा फिर मैं जॉब भी छोटी जगह पर करना चाह रहा हूँ तो आपके लिए फिर पे स्किल थोड़ा कम हो जाता है हंड्रेड परसेंट हो जाता है बिकॉज छोटी जगह पर आपको वहाँ पर पे pay करने के लिए कैपैसिटी नहीं ना कंपनी की या फिर उस फॉर्म की सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि बड़ी फॉर्म में करो फिर आप छोटी जगह पर प्रैक्टिस करोगे देन लिमिट बहुत ज़्यादा है छोटी जगह पर भी, भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो देन देर इज नो लिमिट बट आर्टिकलशिप छोटी जगह से नहीं करनी चाहिए जनरली सजेस्टेड यस यस यार सवाल है आपका ठीक है यस सो द क्वेश्चन इज एग्जाम में अगर कोई ऐसा सवाल आ गया है जिसका बिल्कुल हाथ पैर ही नहीं, नहीं पता है. मतलब नहीं तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ पहले तो रैंकर के साथ भाई हाँ नाइस तो अब उस समय पे आपने क्या किया सो हंड्रेड मार्क्स के पेपर में ऐसा तो नहीं है पूरा हंड्रेड मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा एक्सेप्ट लास्ट अटेम्प्ट का एमसीएस का पेपर <laughs> वो मैंने सुना है कि पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया था देखा तो नहीं बट अगर फाइव टेन मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा नाइन्टी मार्क्स का तो आता है ना पहले वो बच्चे क्या करते हैं वो फाइव मार्क्स का जो नहीं आता ना उस पर फोकस करते हैं जो नाइन्टी मार्क्स अपने हाथ में है पहले उस पर फोकस कर लो उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लो मेरे साथ भी हुआ था कंपनी सेक्ट के लास्ट के टू थ्री क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मैंने ऐसे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था मैंने चार पाँच लाइन लिखी एक एक नंबर मिला बट ठीक है एक नंबर भी मैटर करता है फॉर स्टूडेंट uh, जिनके थर्टी नाइन आते हैं फिफ्टी नाइन आते हैं उनसे पूछो एक नंबर मार्क्स की वैल्यू कितनी होती है तो होगा तुम्हें नहीं पता होगा पूरा पेपर बट जितना आता है कम से कम उसको अच्छे से अटैम्प्ट करो जो नहीं आता लास्ट में उसको ऐसा तो नहीं है क्योंकि तुमने प्रोफेशनल के नाइन मॉड्यूल्स पढ़े हैं थोड़ा बेसिक आइडिया होगा जितना समझ आता है लिख दो क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस है ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है वो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है तो सबके साथ हो रहा सबको लगता कि सिर्फ मेरे को नहीं आता बट मेरे साथ ऐसा था अगर मुझे कुछ नहीं आता था ना मैं सोच लेती थी सबको नहीं आता तो सबके नंबर जाएंगे दैट इज ऑल्सो फेयर वैसे बट एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है क्या 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 टेक अवे निकाल देता हूँ आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको एंड के लिए रखो ये बात तो मान के चलो कि उसको एंड में अटैप्ट करना है ऑब्वियसली एग्जाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दर इज अ क्वेश्चन बहुत सारे सब क्वेश्चन है जहाँ पर अटैम्प करना है साथ में करना है तो उस पूरे क्वेश्चन को एंड के लिए रख लो उसको एंड में कर लो और एक और इन्होंने कहा वो सही है इतने सालों से मैं पेपर देख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट बनाते हैं वो ये तो सच है नाउ यू शुड नॉट बी स्किपिंग द फर्स्ट क्वेश्चन इनके अटैम्प्ट के बाद में एक चेंज भी आ गया है नाउ यू यू विल गेट फिफ्टीन मिनट्स ऑफ टाइम फॉर रीडिंग तो वहां पर आप खुद को संभाल सकते हो इनके टाइम तक क्या था तीन घंटे का टाइम चालू हो चुका है तो क्वेश्चन रीड करके लिखना है फटाफट तो वहां पर लास्ट क्वेश्चन से रीड करना बेटर होता कि पहले संभलने वाले क्वेश्चन देखते हैं एंड में इसको देख लेंगे अभी आपके पास पंद्रह मिनट होंगे रीडिंग के फिर आपका थ्री आयर स्टार्ट होगा यू विल गेट थ्री आर फिफ्टीन मिनट्स तो उन फिफ्टीन मिनट्स में यू कैन रीड द क्वेश्चन इफ इट ऑल यू वॉन्ट ऑल एंड मेक अ स्ट्रेटजी ऑफ द सीक्वेंस कि पहले ये करेंगे सेकंड ये करेंगे थर्ड ये करेंगे फोर्थ ये करेंगे फिफ्थ ये करेंगे देन फगेट अबाउट इट एंड फोकस ऑन द क्वेश्चन यू गोट टू राइट ऐसा तो दैट वुड बी द राइट स्ट्रैटी और फिर जो बोल रहे हैं सही है भाई कि वो एक मार्क्स भी एंड में क्या होता है भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक तो जो क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं आता है उसमें आपको जो मिल गया वो बोनस है ना तो एंड में एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करो और जितना अपन ने पढ़ा है ब्रह्मांड में उसके बारे में वो जो बीकॉम का लॉजिक बताया था ना मैंने वैसे कि आज तक जो भी उसके बारे में पढ़ा है वो मस्ती से लिख कर आ जाओ कोई टेंशन की बात नहीं है कोई भी टेंशन की बात नहीं एग्जामिनेशन में एक चीज़ होती है कोई ना कोई एक पेपर वो ऐसा देंगे एक या दो पेपर जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा इनके टाइम पे नाइन्थ थे आपके टाइम पे सेवन हो चुके हैं इन गधों के सेवन ही पेपर हैं सेवन पेपर्स से, हैं उसमें से एक पेपर तो ऐसा रखेंगे ही रखेंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा एंड मार्क माई वर्ड्स वो पेपर आपको फेल नहीं करवा पाएगा फेल करवाएंगे उसके बाद के पेपर्स सो हाउ इट इज हर अटैम्प में होता है क्योंकि उसकी चेकिंग इंस्टीट्यूट मैनेज करके आपको डिसेंड कर देगा लेकिन आपका जो दिमाग खराब हो चुका है वो आप अगले पेपर में नहीं संभालोगे और आप उन पेपर्स के अंदर मार्क्स को लूज आउट करोगे सो दैट इज समथिंग दैट यू टू बी रेडी विथ दैट अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई पेपर ये सब अपन लास्ट लेक्चर में बात करेंगे बट अभी जब मैम आए तो इनसे डिस्कस कर रहे हैं बस कि कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि आपको कोई एक आधा पेपर नहीं जमाए मस्ती से लिख के पेपर दे उसको भूल जाओ एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर बिकॉज अगला पेपर इज द रियल परेशानी समझ में आया परेशानी वो पेपर नहीं था परेशानी अगला पेपर होने वाला है जनता उसमें फ्लंक होने वाली है तो वहां पे आपको खुद को संभालना है और अगले पेपर पे ध्यान देना है आप ही करेंगे फेयर आइडिया तो इसका ध्यान रखना है आपको सवाल पूछना चाहते थे उसको लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और क्लोज करेंगे डिस्कशन को यस यार मैं रिपीट करता हूं ताकि जनता समझेगा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को इन्होंने खुद का नहीं किसी को जनता को जनरली अगर अटैम्प्ट मैं एक्सकेटिव अगर अटैम्प्ट लगे एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में द पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिंड कि अब मैं फोड़ दूंगा ठीक है ना एंड रैंक वगैरह भी एम करना है मुझको सब कुछ बहुत अच्छे से करना है तो क्या फिर भी मुझे इंटरव्यू के दौरान या जॉब के दौरान परेशानी आएगी क्या सो टू बी फ्रैंक कुछ कंपनीज रखती हैं क्राइटेरिया कि उन्हें हर लेवल में फर्स्ट अटैम्प्ट का बच्चा चाहिए बट कुछ कंपनीज़ नहीं रखती अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है ना दे विल इवन जो पास आउट है नॉर्मल फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट में पास होता उसको भी रखते हैं क्योंकि उसका नॉलेज अच्छा है जिन कंपनी के क्राइटेरिया होते हैं वो तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारा टेबल पर भी नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही आउट कर देते हैं कि इसका तो रैंक नहीं है इसका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है साइड कर दो बट जो जिनको पता है कि यार हर बच्चा नहीं होता फर्स्ट अटैम्प्ट में सबके अटैम्प्ट लगते हैं आई कांट रिलेट विद दिस क्योंकि मेरा नहीं लगा बट मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके लग रहे हैं लिटरली ट्वेंटी फाइव फेफ को एंड ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट को रिजल्ट आता है हम ट्वेंटी फोर्थ की रात को बैठ के उसको शांत कराते हैं कि भाई अच्छा होगा फिर ट्वेंटी फाइव को अगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है ना फिर उसके साथ बैठ के तो आई डोंट नो ये फीलिंग कैसी होती है बट अगर जॉब की बात करें ट्रेनिंग में हो सकता है दे विल आस्क यू कि दे विल सी कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है तो वो इग्नोर कर दें बट अगर तुमने डिसेंट ट्रेनिंग की ना तो जॉब में आई डोंट थिंक सो इशू आएगा क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं uh, जो टॉप लिस्टेड कंपनी में हैं में थे तीन चार में पास हुए प्रोफेशनल एक में क्लियर हो गया तो नॉलेज होना चाहिए दूसरा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए एंड तीसरा कुछ नहीं आता ना तो आई विल लर्न इट मैं सीख जाऊंगी ये एटीट्यूड होना चाहिए तो एक और चीज़ मैंने अभी तक इतने सालों से होना मैंने आज तक तीन कंपनीज़ का रेस्ट्रिक्शन देखा है एक टाटा सन्स का देखा था एक रिलायंस का एक बार आया था नोटिफिकेशन उसमें देखा था और ऐसे तीन कंपनीज़ ने आज तक देखा था कि उनको फर्स्ट ही चाहिए जनरली कंपनीज़ क्या कर लेती है ऐसा कुछ बोलती नहीं है इनवाइट कर लेती है एप्लीकेशन उनके इंटरनल रूल्स में कभी बैफरकेट करती है बट इट इज नॉट देयर ऐसा रेयर मतलब मैं कह रहा हूँ ना वन भी बोलना एक हायर फिगर होगा कि वन परसेंट कंपनीज ऐसा रेस्ट्रिक्शन रखती है मेजारिटी कंपनीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है बिकॉज दे ऑलसो अंडरस्टैंड मतलब वहाँ पर भी एक सी बैठा है ना समझो तो वो भी समझते हैं कि सिर्फ मैं अटेम्प्ट के बेस पे बाइफ्रिकेट नहीं कर सकता क्योंकि नॉलेज है या नहीं वो काम अच्छा सा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा कुछ करते हैं वन टू परसेंट है ज़्यादा नहीं है बट बस ये माइंडसेट रखना है कि अपन को पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ के जाना है इफ़ आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चन ऑफ़ द इंटरव्यू देन नाइन्टी परसेंट गेम तो वही है ऐसा भी होता है कि रैंकर है बट नॉलेज नहीं है तो नहीं लेते नहीं लेते नहीं लेते नहीं लेते, लेते। इंटरव्यू में फिर नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग नहीं लेते तो ऐसा भी हो सकता है મેકો થા કિયર તુરંત રિપ્લાય આમ ક્યુ નિયારા ક્યુ નિયારા મે ફોલો અપ લે રહી હું બાદ મે પતા ચલા ઉનકો ઇન્ટર્નલ પ્રોસેસ હેતા વો 1 1 મંથ પાસ મે રિપ્લાય દેગે તો યે હોતા હે અગર તમ જબ તમારો પ્રોફેશનલ હો જાયેગા તમ ટ્રેનિંગ કે લિયે જાઓગે લાગega 1 1 2 1.5 મંથ ટ્રેનિંગ હુને કે લિયે અચ્છા tumhe chahiye ki tumne aaj interview diya kal tumhe offer letter aayega parso join ho jana hai bilkul possible ha sorry सेम विद फर्म्स इज़ वेल ना हाँ सो सो इट इज़ जस्ट कि इतना लोड लेने का नहीं है एंड फर्दर इवन शी कैन हैव बैड इंटरव्यूज तो यू कैन ऑल्सो हैव बैड इंटरव्यूज आई कैन ऑल्सो हैव बैड इंटरव्यूज़ इट इज़ परफेक्टली फाइन बैड इंटरव्यूज़ का मतलब क्या होता है जीवन में जब पहली बार करेंगे यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड फर्स्ट टाइम तो कठिन होगा ना उस चीज़ को हैंडल करना तो ये एक कर सकते हो कि ड्रीम कंपनी में पहला इंटरव्यू मत दो पहला इंटरव्यू इधर उधर दे दो <laughs> ताकि क्या होगा जब आप अपने ड्रीम का कुछ लोग होते हैं इन्होंने मन बना रखा है रिलायंस में ही करना है कुछ लोग होते हैं इन्होंने मन बना रखा है मुझे इसी सिटी में जाके करना है तो उसके पहले अपने यहां पे एक दो इंटरव्यूज दे दो बोले अगर आपको ऐसा लगता है ताकि पहले वाले में जो फर्स्ट टाइम का फियर है वो निकल जाएगा तो इमीडिएटली दे दो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वेट मत करो तो दिस इज हाउ इट इज आई थिंक यू गाइज हैड अ वंडरफुल इनसाइटफुल सेशन ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको जो भी यहां से टीका भी लगा ना उसको अपने नोटबुक कैंड में कहीं लिख लो होता क्या है कि भूल जाते हैं तो जो ऐसा कि अपन ने ये चीज़ सीखी दो तीन साइज ऑफ आंसर डज नॉट मैटर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको आज से दो महीने बाद परेशान करेगी तो आपको खुद को समझाना है तब कि भाई नहीं एक रैंकर आए थे वो समझा के गए कि हाफ पेज के मार्क्स में भी मुझे फुल मार्क्स मिले तो यू नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट एंड नॉट द साइज तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो आपके प्रिपरेशन के दौरान एग्जाम के दौरान आपकी पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे इट इज़ वेरी मच ओके टू राइट अ स्मॉल आंसर एट टाइम्स इट इज़ वेरी मच ओके टू फील नॉट टू स्टडी इट इज़ वेरी मच ओके दैट एट टाइम्स यू आर नॉट एबल टू फोकस एवरी वन गोस्ट थ्रू इट तो कभी कभी ये चीज़ पता होने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाँ जो मेरे साथ होता है वो इनके साथ भी होता है वो सबके साथ होता होगा तो ये अपन को बहुत रिलीफ दे देता है एंड वन यूर रिलीव देन यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज तो दैट इज एंटायर पर्पज बिकॉज एज अ टीचर क्या होता है कि मैं आपको जो बोलूँगा वो आपके दिल में नहीं उतरेगा ये एग्जाम को लेकर बट अगर एक बच्चे ने बोल दिया तो वो दिल में इमीडिएटली उतर जाएगा तो कुछ चीज़ें आई थिंक अपने सीनियर से सुनना ही बेटर रहता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग फर्दर बहुत सुंदर चीज हमारे कोर्स की यह है कि सीनियर जूनियर का कोई फंडा ही नहीं है हाँ इनके सीनियर इनके जूनियर हो सकते हैं अभी एंड इट इस परफेक्टली ओके राइट तो अपने प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता इट्स ऑलवेज लर्निंग कि जो मिले जितना मिले जहां से मिले सीख लो अपने टाइम पे इंप्लीमेंट करेंगे अभी के टाइम पे कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा इसके टेकअवे लेते हैं पढ़ाई वाले क्योंकि अभी अपना रास्ता पढ़ाई का है जब हमारे इंटरव्यू वालों को ना तब इंटरव्यू का टेकवेज वाले इंटरव्यू भी करेंगे उसमें और होगा जरूरत पड़ी तो आकांक्षा को मुंबई से वापस बुलाएंगे अपन ठीक है कि इंटरव्यू कैसे देना है बताओ हमको तो तब का तब देखेंगे लेकिन अभी के लिए कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे एग्जाम वाले उसको अच्छे से इम्बाइब करो अच्छे से उसको अच्छे से दिल में उतारो कहीं पर लिख के रखना जो जो आपके लिए हाईलाइट्स थे बुक के लास्ट पेज पर लिख सकते हो सो दैट उसको जब जरूरत पड़े तब इंप्लीमेंट कर लेंगे ओके डोकी यस थैंक यू सो मच वन सेकंड आकांक्षा फॉर सच नाइस 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 इंसाइडफुल सेशन एंड आई सिंसियरली होप कि ये जो गधे लोग वीडियो में भी देख रहे हैं ना यू कड कनेक्ट टू हर इन अ बेटर फैशन बिकॉज शी हज डन ऑल ऑफर क्लासेज वर्चुअल्स ऐसा तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है इन्होंने वर्चुअली पढ़े थे शी वॉज माई प्रोफेशनल के स्टूडेंट ओनली एग्जीक्यूटिव के नहीं थे प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट थे एंड रैंक वगैरह तो क्या है मतलब उससे आगे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन वही चीज़ है कि डू नॉट ट्राई टू तो कॉपी पेस द स्ट्रैटी

थैंक यू सो मच थैंक यू सों मैं आपको बताता एक और चीज़ आकांक्षा है ना तो क्या है ऊपर वाले की दरिया से क्या है आप लोग तो अलग अलग सिटी से हैं ना तो आपको पता ही है कि ऊपर वाले की दरिया से ऐसा ऐसा स्टूडेंट अच्छे से एकदम प्रेम वेम करते हैं स्पेशली पुणे के बाहर पुणे के बाहर ज़्यादा होता है होता है ना कि घर की मुल्क दाल बराबर वाला हिसाब होता है ठीक है तो यहाँ के बच्चे से हाथ रख के खड़े होता है सर आजकल क्या चल रहा है ऐसा एंड बाय गॉड्स ग्रे स्पेशली कुछ अटैप में रैंकर्स वगैरह भी बहुत तूफान तरीके से इंप्रोवाइज हुए ऐसे मतलब इनसेन अमाउंट ऑफ रैक्स हैव कम फ्रॉम आर स्टूडेंट्स इस स्टेड में भी ए आर वन एग्जीक्यूटिव ए आर वन प्रोफेशनल सब अपने बच्चे थे बट किड्स लाइक आकांक्षा दे जस्ट नीड इतना सा गाइडेंस ट्रस्ट मी ऑन दैट दे डोंट नीड ऐसा इनको ये लोग अरे क्या बात कर रैंक थ्री लेवल रैंक कर तो मैं तो इनको मैं और इन्हें आई थिंक आप मुझे जानते प्रोफेशनल से जान पहचान हुई है राइट right? तो एग्जिक्ट तक तो जानते भी नहीं थे तो इतना इंपॉर्टेंट रोल कभी शायद नहीं होता है सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था कि इट्स ऑल विद इन यू सब आप ही के अंदर है आप ही को मचाना है हिंदी मीडियम अप टिल ट्वेल्थ तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब तब सोचा ही नहीं होगा किसी ने कि थ्री लेवल रैंकर होंगे बिकॉज सब्जेक्ट से पहले तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना कितना स्ट्रगल होगा सिर्फ शी कैन डू इट एनी वन कैन डू इट सो यू डोंट हैव टू थिंक कभी कभी क्या है कि कुछ लोग मान लो वीडियो देख रहे होंगे वो मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर किसी और व्यक्ति से नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है इट्स ऑल विद इन यू अगर आप अंदर से वो जीजान रखते हो मचा देना इस बार तो आप मचा दोगे मचा दोगे एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट थैंक यू सो मच अगेन एंड आई एम डैम 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 प्राउड ऑफ़ यू खूब 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 आगे बढ़ो यार खूब खूब